हे हाय फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। मैं हूँ सीएमए रोहन शर्मा, इंटरव्यू सक्सेस कोच। एंड मैंने रिसेंटली काफी सारे स्टूडेंट्स को कैंपस के लिए गाइडेंस दिया था, और आज मेरे साथ है नासिर। नासिर का भी कैंपस प्लेसमेंट हुआ है रिलायंस जियो में, और सुनते हैं नासिर की स्टोरी। आप सबको ये स्टोरी बहुत इंस्पायर करेगी, मोटिवेशन देगी आपको सीएमए जर्नी में। तो ऐसी वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो हाय नासिर, कैसे हो आप? बढ़िया सर। सर आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। और कैसी फीलिंग हो रही है आफ्टर गेटिंग ऑफर फ्रॉम सीएमए कैंपस? सो ब्लेस सर, सो ब्लेस। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऑफर मिलने के बाद सीएमए कैंपस हो। तो वो दिन जब आपको ऑफर मिला रिलायंस जियो से, एंड पैकेज भी काफी अच्छी थी, अप्रोक्स 12 या 13 LPA के आसपास का उसका ऑफर है, तो लाइक एक फीलिंग और फैमिली का एक्साइटमेंट, फैमिली का रिएक्शन कैसा था आपके लिए? वो सर वो तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो रिएक्शन जब मुझे कॉल आया इंस्टीट्यूट की तरफ से दैट आप जियो के लिए सिलेक्ट हो गए, वो अलग ही फीलिंग है सर। मतलब तो मैं बोल नहीं पाऊंगा शायद, बट वो फीलिंग बहुत अच्छी है। घर वाले हर कोई खुश हो जाता है वो जब पता चलता है कि सीएमए बनने के बाद कैंपस से ही लग रहा है और ऑफर लेटर कैंपस से ही मिल रहा है, तो वो बहुत बहुत अलग फीलिंग है और बहुत अच्छी फीलिंग ग्रेट। सो आपको है। लाइक या जो जो बोलो जो मतलब क्लियर हो, मैं चाहता हूँ सबको वो फीलिंग एटलीस्ट ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस एटलीस्ट वो फील करे, क्योंकि वो जो फीलिंग है आप डिग्री मिलने के बाद जो ऑफर आता है वो अलग फीलिंग है सर। राइट। अच्छा, आपने लाइक मेरे साथ अप्रोक्स हमने 1.5 मंथ प्लस हमने काम किया, तो आपको मेरी मेंटरशिप कैसी यस लगी? सर। अगर आपकी मेंटरशिप, मुझे तो ऐसा लगता है कि डिग्री क्लियर करने के बाद जो 2 महीना होता है उसमें हम सब भूल जाते हैं क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं, वो बहुत जल्दी वैनिश हो जाता है क्योंकि पढ़ाई किसी के दिमाग में नहीं रहती है। बट आपने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे, मैंने ऑलमोस्ट उसमें से कुछ 10 या 12 बुक्स पूरी कंप्लीट करी थी, जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। और जो आपका डेली सेशन होता था उसकी वजह से कुछ तक, कुछ हद तक नहीं मतलब 80% मैं बोल सकता हूँ, 60 से 80% जो कम्युनिकेशन स्किल मैंने डेवलप करी है वो डेली सेशन की वजह से ही हुई है। और जो आपका रॉकी और सीएम इंटरव्यू बुक है उसने भी बहुत बहुत मतलब हेल्प और गाइडेंस मिली। और आपने जो 3-4 सेशन लिए थे फिर मॉक इंटरव्यू लिया था, तो वो मतलब बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल है। अगर वो नहीं होता तो शायद मुझे नहीं मिलता जियो में इंटरव्यू। जो भी मुझे पैकेज जियो से मिला है वो आपकी मेंटरशिप उसमें 60 से 80% है। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो यू आर हैप्पी विथ मी? ओके, यस यस ऑफ कोर्स सर। ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं, लाइक आपने सीएमए कोर्स कैसे ज्वाइन किया? लाइक आपको कैसे पता चला सीएमए कोर्स के बारे में और आपने इनरोलमेंट लिया? एक्चुअली जब मैं 12th में था, कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो जो हमारे क्लासेस के टीचर्स थे उनमें से दो, एक सीए कंप्लीटेड थे, एक सीए कर रहे थे फाइनल में थे, और एक सीएमए फाइनल में थे। तो लोगों ने वो टाइम पे थोड़ा मोटिवेट किया कि आप लोग सीए सीए में सीए जैसे कोर्सेज के लिए जाओ, बट मेरा ऐसा था कि मुझे सीए नहीं करना, बिकॉज सीए में अगर इफ अगर आदमी को एक बार में भी क्लियर करना है हर अटेम्प्ट, तो उसको मिनिमम 6 साल अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि 3 साल की आर्टिकल शिप आ जाती है। फिर उसके बाद मैंने ACCA देखा, सीमा देखा, तो वो सारे कोर्सेज थोड़े फाइनेंशियली कंडीशन में उसे वहां नहीं जा पाया। देन फिर मैंने वापस आया, सर से डिस्कस किया, फिर मुझे पता चला कि सीएम में 6 महीने की आर्टिकलशिप होती है, तो मैक्स टू मैक्स 2 या 3 साल में अगर एक एक अटेम्प्ट में क्लियर करे तो हो जाएगा। देन मैं फिर सीएमए के बारे में जानना यूट्यूब वगैरह से, यहाँ वहाँ से रिसोर्सेज कलेक्ट करा, फिर जाके मैंने सीएमए में इनरोल किया आफ्टर 12th में भी। हाँ, 13 के सेकेंड सेम में जाके मैंने सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दिया था। ओके एग्जाम ओके। अच्छा, तो आपकी सीएमए जर्नी कैसी रही? लाइक आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम क्लियर किए थे या आपके अटेम्प्ट्स लगे थे? मेरा तो बाय गॉड ग्रेस सब एक एक अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था, क्योंकि ओके। जो मैंने स्ट्रेटेजी वगैरह बनाई थी वो सब काम कर गए। जैसे कि मैंने पहले से सोच के रखा था कि मेरे को एक एक ग्रुप ही जाना है, 2 ग्रुप के लिए नहीं जाना है, क्योंकि 8 पेपर कंटिन्यू देना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इस वजह से मैंने पहले से सोच के रखा था एक एक ग्रुप के लिए जाना है, आराम आराम से जाना है, मल्टीपल रिविजन करना है। तो सीएमए जर्नी तो बहुत अच्छी रही,
हर एक चीज एक एक ग्रुप अटेम्प्ट करते हुए निकलेगा आपने फिर तो। निकाल लिया। अच्छा, आपने कितने टाइम्स रिवीजन किए थे? आपने एक एक ग्रुप निकालने के लिए कितने टाइम्स आपने रिवीजन किए? इंटर में सर मैंने जो रिवीजन किया था ग्रुप वन का, वो मोर देन 6 या 7 टाइम मेरा रिवीजन था, बिकॉज एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए थे और दो दो टर्म मिक्स हो गया था दिसंबर 21 में, तो मेरा वहां पे ज्यादा रिवीजन हो गया। बट उसके बाद मैंने जितने भी अटेम्प्ट दिए सब में मैंने मैक्सिमम थ्री रिविजन किए, हर एक अटेम्प्ट में मैंने थ्री थ्री रिविजन किए। और अगर मैं सेकेंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप की बात करूँ तो सेकेंड ग्रुप का तो GST है, मैंने 20 डेज में पढ़ा था लास्ट में, और जो फोर्थ ग्रुप का GST है वो भी लास्ट के 20 डेज में ही पढ़ा था, और दोनों टाइम GST में मुझे एग्जेम्प्शन है, तो ग्रेट, वो सारी चीजें। ओके। अच्छा, आपने अपनी इंटर्नशिप लाइक फॉर्म से की थी, कंपनी से की थी आपने इंटर्नशिप? इंटर्नशिप से मैंने फॉर्म से की थी, मेरी जो इंटर्नशिप थी 15 मंथ्स की, हमारे इधर एक विजय तलाटी करके सर है उनके अंडर मैंने की थी, 15 महीने की इंटर्नशिप की थी टोटल वहाँ, क्योंकि ओके, मैं जब इंटर में आया तो वो पॉलिसी चेंज हो गई थी आर्टिकलशिप के लिए, 15 महीने कंपलसरी हो गया था तो करना ओके पड़ा। ओके, नाइस। आपने फिर फाइनल आपने दिया साथ में इंटर्नशिप के बाद, या इंटर्नशिप के साथ आपने एक ग्रुप दिया था? हाँ एक्चुअली सर जैसे मैंने फाउंडेशन क्लियर किया था और मैंने इंटर चालू भी नहीं किया था, मैंने आर्टिकलशिप चालू कर दी थी, कि ओके 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 ओके, मुझे ऐसा था कि काम क्या होता है मुझे जानने का, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करते हैं, तो मैंने फाउंडेशन के बाद ही चालू कर दी थी आर्टिकलशिप। देन उसके बाद मैंने फ्रीलैंसिंग भी करी, एक सीए फाइनलिस्ट थे उनके पास कुछ छोटे मोटे क्लाइंट थे, वहां मैंने उसके साथ फ्रीलैंसिंग भी करी GST इनकम टैक्स की का, फिर मैंने कुछ 6 से 7 महीना स्विगी के ऑर्डर्स भी मारे अमेजोन स्विगी के। देन आफ्टर दैट आपने मुझे इधर अमेज़न एक सी स्विगी ए के फॉर्म, ऑर्डर्स डिलीवर भी किए, राइट? यस यस लाइक अ डिलीवरी पार्टनर ओके ओके फॉर ओके, 6 to 8 मंथ्स। देन फिर मैं जाके एक सी ए फॉर्म में लगा, बोला कि ठीक है फॉर्म में लग के देखते हैं काम प्रेशर रहेगा। एक्चुअली ऐसा था कि ऑर्डर मारने का ये रीजन था कि वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी थी काम करने के लिए, तो पढ़ाई को टाइम मिल जाता था। सेकेंड ग्रुप में वैसा क्लियर कर तो आप क्या लिया। मॉर्निंग में मॉर्निंग देन ऑर्डर फिर डिलीवर करते थे या इवनिंग में करते थे, लाइक क्या लेट इवनिंग नाइट? में लेट नाइट, इवनिंग अच्छा, नॉट लेट लाइक 10, 12 और 11 ओके ओके ओके। को। सो इट मींस लाइक आपने लाइफ में काफी चैलेंजेस फेस किए हैं, अपने फैमिली लाइक काफी आपके फैमिली ने चैलेंजेस फेस किए हैं, राइट? चैलेंजेस सो आई थिंक आप सब कुछ आप पेड ऑफ करने वाले हो सारे चैलेंजेस को बहुत जल्द। सर बहुत जल्द पेड ऑफ हो जाएगा, तो सुन के बहुत अच्छा लगा। सेम अगर अच्छा, आफ्टर डेट लाइक जब आप CMA क्वालिफाई किए, देन आपके लिए एक फिर से चैलेंजेस था कि यार कैंपस में जाना है, जॉब लेना है, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो लाइक आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला कि लाइक मैं मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ कैंपस के लिए? हाँ जब मैं फाइनल में था तब मैंने आपके वीडियोस देखे थे लिंक्डइन वगैरह का, देन उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कैंपस प्लेसमेंट के लिए, फिर मुझे एक क्लास भी थी मुझे उसका नाम नहीं याद है, देन मुझे आपकी क्लास भी थी, फिर मैंने सोचा कि आपके पास ही आना चाहिए, बिकॉज एक जैसे कि आपका यंग एज है आपकी, मतलब आपके साथ माइंडसेट जितना अच्छे बैठ पाएगा उतना दूसरी क्लासेस के साथ नहीं बैठ पाएगा। तो लिंक्डइन वगैरह पे देखने के बाद आपने लिंक्डइन पे पोस्ट डाली थी दिसंबर अटेम्प्ट के बाद जब रिजल्ट आउट हुआ था, फिर मुझे वहां से आपका नंबर मिला, देन मैंने आपकी क्लास वगैरह वहां से ली। ओके, ग्रेट। सो आपकी जर्नी मेरे साथ भी अच्छी रही, राइट? और कैंपस के साथ बहुत भी हाँ अच्छी सर रही। यस ओके, सर होप सो कि आप लाइफ में आगे बढ़ो और सर अचीवमेंट्स लो। आप लाइक स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे CMA कोर्स के ड्यूरेशन में, अगर कुछ चैलेंजेस आते हैं तो लाइक कैसे उन्हें टेकल करना चाहिए अपने लाइफ के चैलेंज? मैं तो बस ये बोलना चाहूंगा कि पॉजिटिव अप्रोच, हर चीज हमको ऐसा पॉजिटिव अप्रोच ही देखनी चाहिए, कोई भी चैलेंजेस है वो टेम्पररी है, बट हमारा जो गोल है वो परमानेंट होना चाहिए कि वो हमको अचीव करना है। चैलेंजेस तो आते रहेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो लाइफ वही है ऊपर नीचे, बट गोल हमेशा सेट करके चलो क्या करना है क्या नहीं करना है उस चीज में क्लियर रहना चाहिए। हाँ अगर बिल्कुल, एक आप अटैम्प्ट में समझ क्लियर करना है तो गए।
एक अटेम्प्ट में अगर किसी को क्लियर करना है तो चल मान के चले उसको की मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत नहीं करके फिर सोचेगा कि मैं क्लियर हो गया, तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज इतना इजी कोर्स नहीं है ये। हर एक एक बार अगर 100 बच्चे बैठ रहे तो 10 लोग ही पास हो पा रहे, तो इतना इजी कोर्स तो नहीं है, तो वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही बोलूंगा कि हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ करेंगे तो हो जाएगा, कुछ कुछ नहीं है, बस एक बार ठान लेना है हमको कि करना है तो करना है। ग्रेट ग्रेट, थैंक्स नासिर कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे आया, अपनी जर्नी शेयर की। होप सो इस जर्नी से बहुत सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे और अपनी सीएमए जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, जो बहुत जल्द क्लियर करेंगे। सो थैंक्स अगेन और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। फ्यूचर में भी मैं यही चाहता हूँ कि आपका और मेरा बिल्कुल कनेक्शन बना रहे आपस में। सर, बन रहा है। मैं आपको एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा सर, बिकॉज आपने जो गाइडेंस दिया है, जो मेंटरशिप की है, वो सच्ची में काम आई है, बहुत ज्यादा काम आई है। इंटरव्यू में कैसे बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से बात करना है, आपने एक एक चीज डिटेल में बताई है। ड्रेसिंग, इवन आपने ड्रेसिंग के ऊपर भी बात की कि क्या पहन के जाना चाहिए, क्या मैचिंग होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने करती है, जो कि मैंने कैंपस में भी देखा। तो मैं आपको एक बार वापस से थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक ओके ओके, यू सर। थैंक्स थैंक्स अगेन एंड ऑल द बेस्ट। और अचीवमेंट्स लो, अपना नाम रोशन करो, अपने घर वालों का नाम रोशन करो और प्राउड मोमेंट फील करवाओ अपने फैमिली को। एंड होप सो कि आप लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स थे, विशेस थे, आप जल्दी सब उन सबको टिक मार्क करना शुरू कर दो। ओके, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू वंस अगेन। ओके।